नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, राजस्थान BSTC की सेकंड लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आया था कि सर, सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। जी हाँ दोस्तों, कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसी के साथ आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो कब तक आएगी, कब तक आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो ऑफिशियली साइट पर डाल दी जाएगी। इसी के साथ विद्यार्थियों के साथ जो DLED द्वारा धोखा किया गया है, क्या है बात, पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जिनका कॉलेज अलॉट हो गई है उनको क्या करना है दोस्तों, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो सारे टॉपिक दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट जरूर देखना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर आपको राजस्थान BSTC की पल पल की अपडेट है वो मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियली साइट पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपकी जो अपवर्ड मूवमेंट और आपकी जो सेकेंड लिस्ट है उसका यहाँ पर दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर पूरा कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं द्वितीय चरण और आपका जो है अपवर्ड मूवमेंट में जो नई कॉलेज मिली है उनका यहाँ पर रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आपको कैसे देखना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो पहले मैं इसे डेस्कटॉप साइट पर कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो दोस्तों, मैंने इसे डेस्कटॉप साइट पर कर लिया है। डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों इंस्टीट्यूट अलॉट रिजल्ट पे आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर रोल नंबर या एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इनमें से तीन में से कोई दो चीज़ आपको डाल देनी है और आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आपको कॉलेज अलॉट हुई होगी तो कॉलेज की सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों सेकेंड लिस्ट में जो कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ज़्यादा नंबर होने पर भी उन्हें कॉलेज नहीं मिली है। 400 नंबर होने पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को कॉलेज नहीं मिली है। तो दोस्तों बता दूँ, मैं आपको एक कमेंट है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मुझे कॉलेज मिल गई है सर, 359 नंबर ST कैटेगरी, यानी ST कैटेगरी की जो कट ऑफ की बात करूँ, 359 और 60 के आसपास जो है नंबर पर उन्हें कॉलेज अलॉट हो गई है। तो बता दूँ, ST कैटेगरी की सबसे कम कट ऑफ रुकती है दोस्तों। और दोस्तों, इससे ज़्यादा आपकी काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर, मेरे 371 नंबर हैं OBC कैटेगरी में और राजस्थान किया था, कॉलेज नहीं मिला है। तो कॉलेज नहीं मिलने की दोस्तों बता दूं, अब की बार जो आपकी 3,000 सीटें दोस्तों कम हो गई हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गई है। हालांकि प्रक्रिया चल रही थी, इसमें कहा जा रहा था कि कॉलेज को उसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं जोड़ा गया। 366 और राजस्थान OBC में नहीं हुआ है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इनके 400 नंबर होने पर भी कॉलेज उन्हें अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कॉलेज भी कम भरी हैं दोस्तों। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कॉलेज सिर्फ 5 से 7 कॉलेज भरी हैं ज़्यादा नंबर होने की वजह से, लेकिन अब उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ये दोस्तों सरासर BSTC के द्वारा स्टूडेंट के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि उन्हें ये ऑप्शन है दोस्तों देना चाहिए था जिससे भी कॉलेज उसमें बढ़ा सकें, लेकिन उसमें एडिट का ऑप्शन इस बार नहीं आया। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आप फर्स्ट काउंसलिंग में जो कॉलेज तो उन्हीं के आधार पर आपके सेकंड राउंड है वो निकाल दिया जाएगा। आपको कॉलेज एडिट का ऑप्शन मुश्किल ही मिलेगा। अगर कॉलेज बढ़ती तो आपको कॉलेज एडिट का ऑप्शन मिल जाता। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ज़्यादा नंबर होने पर भी उन्हें कॉलेज अलर्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ 5 से 7 कॉलेज ही भरी थी, और हो सकता है कि उनकी कट ऑफ उससे ज़्यादा गई हो। एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था, इसके 404 नंबर थे फिर भी उसे कॉलेज अलॉट नहीं हुई है। तो आप अंदाजा ला सकते हैं कि कट ऑफ कितनी हाई गई है। आप अपने नंबर मुझे ज़रूर कमेंट करें दोस्तों कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कौन सी कैटेगरी से हो। और अगर आपको कॉलेज मिल गई है तो मुझे कमेंट करें, नहीं मिली है तब भी मुझे कमेंट करें, जिससे कि क्या मैं एक एग्जैक्ट कट ऑफ की वीडियो बना सकूँगा आपके लिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए हमारे पास। दोस्तों, आपकी कमेंट के आधार पर ही मैं आपकी जो कट ऑफ है वो निकाल के बताऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी आएगी। दोस्तों, इसकी कोई कट ऑफ है ऑफिशियल तौर पर साइट पर नहीं डाली जाती है, सिर्फ आप अपने नंबर के हिसाब से इसमें अंदाजा ला सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ है वो निकलती है। डिपेंड करता है कि कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो अलग अलग कॉलेज अलग अलग कट ऑफ रुकती है दोस्तों। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गई है तो आप मुझे अपने नंबर कमेंट करें, अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तब भी मुझे आप अपने नंबर कमेंट करना दोस्तों। जल्द ही आपको चैनल पर कट ऑफ को लेकर स्पेशल तौर पर मैं वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, जिसमें कट ऑफ का पूरा विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। अब मैं बात कर लूँ थर्ड लिस्ट की, थर्ड लिस्ट कब तक आएगी। तो दोस्तों, 4 तारीख तक आपकी, 4 फरवरी तक आपकी सेकेंड राउंड रहने वाला है। सेकेंड राउंड के बाद आप 10 फरवरी तक आपकी जो है दोस्तों थर्ड लिस्ट है वो आ पाएगी। जी हाँ दोस्तों, 10 थर्ड लिस्ट आ पाएगी। आशा करता हूँ जिनके नंबर
सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड में नहीं आया उनका थर्ड राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँ दोस्तों। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों उससे क्या होगा कि मैं जल्दी आपके लिए जो है एक एग्जैक्ट कट ऑफ तैयार करूंगा दोस्तों, जिसमें कि आप पूरी जानकारी उसमें दे रखी होगी कि आपकी जो कॉलेज में कितने नंबर पर स्टूडेंट को कॉलेज मिल गई, इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। जल्द ही मैं आपको कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना और अगली वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जब भी कट ऑफ की वीडियो आए आपका सबसे पहले अपडेट पहुँच पाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।